गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जल प्रदूषण पढ़ा था, वायु प्रदूषण पढ़ा था, आज अपन पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो ध्वनि प्रदूषण किन किन कारकों से होता है या ध्वनि प्रदूषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए या ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण, यानी सामान्य तौर पर अगर ये देखा जाए या सामान्य तौर पर ध्वनि प्रदूषण का अर्थ या तात्पर्य क्या होता है, यानी ऐसी ध्वनि जो वातावरण को प्रभावित करती है या वातावरण में रहने वाले जो जीव जंतु या जो मानव है उनके लिए जो सुनने में असामान्य प्रकार की जो ध्वनि होती है, या अपन कह सकते हैं जो कानों को नहीं सुहाने वाली ध्वनि अपन कह सकते हैं, या अत्यधिक शोरगुल वाली ध्वनि जिसको अपन क्या कहते हैं डेसिमल, यानी जो ध्वनि को मापने की इकाई होती है डेसिमल, उस डेसिमल में अगर किसी भी ध्वनि की मात्रा अगर सीमित समय या सीमित जो सीमा होती है उससे अगर अधिक की अगर ध्वनि होगी तो वो ध्वनि अगर प्रदूषित में मानी जाएगी, यानी प्रदूषित ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण के रूप में मानी जाएगी। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, यानी एक ऐसी ध्वनि जो मानव के लिए जीव जंतुओं के लिए पर्यावरणीय या जो पारिस्थितिक तंत्र है उनके लिए जो हानिकारक हो, या जैसे अपन कह सकते हैं जैसे टेप रिकॉर्डर है, लाउड स्पीकर है, रेडियो है, कल कारखानों से है, इनसे जो ध्वनि जो जोर यानी जोर से आवाज निकलने वाली होती है जो वातावरण को प्रभावित करती है या जो मानव या जीव जंतुओं को प्रभावित करती है इस प्रकार की ध्वनि को अपन कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहले बात करते हैं, देखो किसी भी वस्तु से जनित सामान्य आवाज को अपन क्या कहते हैं, कोई भी वस्तु है जिससे यानी उससे निर्मित या उससे जनित जो आवाज निकलेगी उसको अपन क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अपन कोई भी दो वस्तु अगर आपस में टकराएगी, अगर टकराने से जो आवाज या जो कंपन निकलती है उसे अपन सामान्य भाषा में ध्वनि कहते हैं। अगली बात, जब ये अधिक तेज हो या जब ये अधिक तेज यानी ये जो सामान्य आवाज है ये एक सीमा या निर्धारित सीमा से थोड़ी अधिक हो जाए या अपन कह सकते हैं असामान्य हो, यानी जो असामान्य प्रकार की आवाज हो जो सुनने में तेज लगती हो या सुनने में असामान्य हो, यानी जो ऐसी आवाज जो कानों के लिए हानिकारक हो उस प्रकार की ध्वनि को अपन क्या कह सकते ध्वनि प्रदूषण। अगली बात, उस प्रकार की ध्वनि को अपन क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब अपन बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, यानी ध्वनि प्रदूषण किन किन स्रोतों से होता है, उन स्रोतों को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत होता है, यानी प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से जिनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। अगली बात करते हैं दूसरा, जो मानव निर्मित स्रोत होते हैं उनसे कौन कौन से जो स्रोत हैं उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो सबसे पहले अपन प्राकृतिक स्रोत के बारे में समझते हैं। देखो प्राकृतिक स्रोत यानी जो बादलों की आवाज, यानी जब वर्षा ऋतु होती है तब जो बादलों की गर्जना यानी जब बादल गरजते हैं इतनी तेज आवाज में बादल गरजते हैं, या जब बादल गरजने के साथ में जब बिजली कड़कती है तो बिजली की कड़कने की आवाज जो मानव के कानों के लिए असामान्य से हो, यानी इतनी ध्वनि तेज ध्वनि वो होता है मानव द्वारा जो वो होता है बादलों की गरज से जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। फिर उच्च वेग वाली वायु, यानी जब कभी तेज जब वर्षा ऋतु में या अपन कह सकते हैं जो समुद्र तटीय इलाके हैं वहां पर जब चक्रवात वाली जब चक्रवात आते हैं तो चक्रवात के समय जब वायु की जो स्पीड है या वायु का वेग है जो कभी कभी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक हो जाता है, तो इस प्रकार की जो ध्वनि आती है या इस प्रकार की जो वायु आती है वायु की जो ध्वनि आती है उसको अपन कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण, यानी बहुत तेज हवा। अगली बात करते हैं तेज जल वर्षा, यानी जब मूसलाधार तेज बारिश होती हो तो उससे भी जो आवाज निकलती है जहां कहीं भी पानी गिरेगा पानी के गिरने की जो आवाज होगी
उसको भी अपन क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण में कहते हैं, मानेंगे। फिर बात करते हैं जलप्रपात, यानी कहीं पर भी जहां जलप्रपात है, जो सामान्य जलप्रपात में जब पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, जैसे पर्वतीय भागों में जब जहां से पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो वहां जलप्रपात में झरने में जो कल कल की आवाज आती है, जब वो तेज गति से आती है, तो जो वहां पर ध्वनि प्रदूषण का काम करेंगे। फिर बात करते हैं ज्वालामुखी से, जैसे ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने के साथ में इतना बड़ा विस्फोट होता है, उससे कई सारी गैसें भी निकलती हैं और उसके साथ में एक आवाज भी आती है। ज्वालामुखी जो फटने की जो आवाज होती है वो भी असामान्य होती है, या निर्धारित सीमा से अधिक की आवाज होती है, वो भी अपन क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक जनित स्रोत में आएंगे ध्वनि प्रदूषण। अब अपन बात करते हैं कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत यानी मानव द्वारा निर्मित या मानव से निर्मित जो स्रोत है, उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। सबसे पहले मानव बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाता है या कल कारखाने लगाता है, तो मानव निर्मित उद्योग धंधों में या कल कारखानों में जो चलने वाली मशीनें होती हैं, या जो चलने वाली बड़े बड़े जो मशीनें हैं, उनसे निकलने वाली आवाज जो एक समय सीमा निर्धारित सीमा से अधिक होती है, वो भी क्या होगी, ध्वनि प्रदूषण का स्रोत मानी जाएगी। फिर बात करते हैं परिवहन के साधनों में, जैसे अपन बात करते हैं परिवहन के साधन, जैसे अपन की सड़क पर है जो जितने भी मोटर वाहन है, ट्रक है, जो रेलगाड़ी है, इनसे निकलने वाली जो आवाज, या इनके रेलगाड़ी के हॉर्न से निकलने वाली जो आवाज, या इनके जो निकलने वाले जो परिवहन के साधन है, जब मुख्य मार्केट में जब साधनों के द्वारा जो इतनी तेज आवाज आती है, उनसे जो ध्वनि प्रदूषण होता है, वो मानव द्वारा निर्मित ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। या अपन कह सकते हैं लाउड स्पीकर द्वारा, जैसे अपन कहते हैं जो लाउड स्पीकर होता है, बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर बड़े बड़े साउंड लगाए जाते हैं, उन साउंड से होने वाली, या उन साउंड से होने वाली जो तीव्र गति की आवाज है, उसको भी अपन क्या कहेंगे, मानव निर्मित आवाज के, मानव निर्मित प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। फिर अपन बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई है, उसको अपन डेसिमल कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण को जो मापने की इकाई है वो क्या होगी, आपकी डेसिमल होगी। अब कौन कौन सी ध्वनि है जो सामान्य ध्वनि मानेंगे, किसको अपन हानिकारक ध्वनि मानेंगे, तो सबसे पहले दो तीन जो मुख्य है मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे सामान्य बातचीत, अगर अपन सामान्य बातचीत करें तो लगभग 60 डेसिमल तक की जो तीव्रता है ध्वनि की तीव्रता, इतनी आवाज आती है 60 डेसिमल। और स्वचालित जो वाहन है, स्वचालित वाहन है, वहां से 90 डेसिमल तक की आवाज आती है, उनकी ध्वनि कितनी होती है, 90 डेसिमल। फिर मान ली जाए हवाई पट्टी, यानी जो हवाई जहाज वगैरह है, हेलीकॉप्टर वगैरह है, एरोप्लेन वगैरह है, उनसे जो ध्वनि निकलती है वो लगभग 150 डेसिमल तक मानी जाती है। फिर बात करते हैं रॉकेट इंजन, यानी जो अपन करते हैं रॉकेट इंजन, जैसे परीक्षण करते हैं, जो उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं मानव ने, उन उपग्रहों से जो आवाज आती है, उनके परीक्षण से जो आवाज आती है, वो लगभग 180 से 190 डेसिमल तक की मानी जाती है, जो कि हानिकारक है। अगर कहीं पर भी अगर 190 से ऊपर की अगर डेसिमल की अगर आवाज आती हो, सामान्य आवाज से 90 से ऊपर की आवाज आती है, तो वो मानव के लिए हानिकारक प्रकार की हो, इससे ज्यादा की। अगली अपन बातचीत करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से, यानी जो ध्वनि प्रदूषण है उनके मुख्य स्रोत के आधार पर प्रकार कौन है, क्षेत्रीय स्रोत के आधार पर अपन प्रकार की बात करते हैं। जैसे ध्वनि का सबसे पहला प्रकार हो गया ग्रामीण ध्वनि प्रदूषण, यानी जो गांवों में, जैसे गांवों में जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, या कहीं जो बड़े बड़े स्पीकर वगैरह लगते हैं, या कहीं नेताओं की जो सभा वगैरह होती है, उनके कारण जो प्रदूषण होता है, वाहनों से जो प्रदूषण होता है, उनको अपन ग्रामीण ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अगली बात नगरीय ध्वनि प्रदूषण, यानी जो गांव से बड़े थोड़े बड़े जो नगर होते हैं, नगरों में जो कल कारखाने हैं, या वहां पे जो धार्मिक आयोजन होते हैं, या वहां पर बड़ी बड़ी सभाओं में जो लाउड स्पीकर बजते हैं, उनके द्वारा जो प्रदूषण होता है, उनको अपन कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। फिर आता औद्योगिक
ध्वनि प्रदूषण, यानी जो गांव में, नगरों में या महानगरों में जहां कहीं भी बड़े बड़े उद्योग व्यवस्थापित किए गए हैं, जैसे राजस्थान में अलवर की बात की जाए तो वहां पर बहुत बड़ा जो उद्योगों का कॉरिडोर बना हुआ है, तो वहां पर जो ध्वनि प्रदूषण होता है यानी कल कारखानों से निकलने वाली ध्वनि से या वहां की मशीनों से, उनसे जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको अपन कहते हैं औद्योगिक ध्वनि प्रदूषण। फिर अगली बात की जाए खदानों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण, जैसे अपन बात करते हैं कोयला खनन है, हीरा खनन है, अगर इन खदानों से जैसे कोई भी अगर खदान खोदेंगे तो वहां पर मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, और मशीनों से जब खदानों को खोदने के लिए मशीनों के प्रयोग से जो आवाज निकलती है उनको अपन कहते हैं खदानों से निर्मित ध्वनि प्रदूषण। यानी वहां खदान को खोदने के लिए जितने भी मशीनों का प्रयोग किया जाएगा उनसे जो आवाज आती है वो एक तरह का ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। फिर अपन बात की जाए कि ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, यानी अपन ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सामान्य प्रभाव, यानी ध्वनि प्रदूषण से होने वाले सामान्य प्रभाव। सामान्य रूप से यानी सामान्य जीवन में क्या होगा कि मनुष्य में चिड़चिड़ापन हो जाएगा। अगर मनुष्य तेज आवाज सुनेगा तो उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा और उसका मन एकदम मस्तिष्क चिड़चिड़ा हो जाएगा, या उसकी नींद में बाधा, यानी रात को जब लाउड स्पीकर बजते हैं तो आदमी की जो नींद है, अगर किसी व्यक्ति की नींद लेने की क्षमता या नींद लेने में अगर व्यवधान हो जाए तब उसके मस्तिष्क में काम करना बंद हो जाएगा और वो चिड़चिड़ापन हो जाएगा। तो ये नॉर्मली रूप से सामान्य रूप से ये ध्वनि से प्रभाव पड़ता है। अगला जो अगर श्रवण संबंधी क्या प्रभाव पड़ेंगे, अगर तेज ध्वनि को अपन काफी देर सुनेंगे तो अपन के कानों में जो कंपन होगा उसके बाद में अपन को काफी देर तक सुने ही नहीं देगा कानों में। जैसे अपन कहते हैं कहीं बड़े बड़े लाउड स्पीकर के सामने या डीजे के सामने जब अपन होते हैं तो थोड़ी देर बाद में अपन के कान सुन हो जाते हैं, या अपन के अगर ज्यादा तेज ध्वनि अगर होगी कहीं ज्यादा विस्फोट भी हो जाएगा तो वहां पर कानों के पर्दे फूटने की भी संभावना होती है, यानी सुनने संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये प्रभाव पड़ेगा। अगला बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अधिक तेज ध्वनि या अधिक तेज साउंड बजेगा तो उस वातावरण से जितने भी वहां पारिस्थितिक तंत्र में जो मानव है, जीव जंतु है, जो जानवर वगैरह हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। अगर कहीं जोर से डीजे या साउंड बज रहा है और पास में कहीं गाय भैंस या अन्य जानवर है तो वो गाय भैंस अन्य जानवर असामान्य सा व्यवहार करने लग जाएंगे, वो उछल कूद करने लग जाएंगे। अगर रोज नॉर्मली जिस स्थिति में होते हैं साउंड की आवाज से वो स्थिति परिवर्तन हो जाएगी, यानी उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, ये होता है आपके मनोवैज्ञानिक परिणाम। अब शारीरिक प्रभाव क्या होंगे ध्वनि प्रदूषण से, यानी जो थकान महसूस करना, यानी जब अधिक तेज ध्वनि से अपन काफी देर से सुनेंगे तो अपन को शरीर को एकदम थकान महसूस होने लग जाएगी, यानी थके वैसा महसूस करेंगे, या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगा, यानी जो शरीर है दर्द करने लग जाएगा या टूटने लग जाएगा। अपन कहते हैं कि आज मेरा शरीर दर्द करने लग गया, यानी जो अधिक तेज साउंड में, जैसे अपन कहीं शादी विवाह में जाते हैं तो दूसरे दिन बहुत सारी गहरी नींद आती है, क्यों, क्योंकि वहां से अपन को काम नहीं किया लेकिन वहां से शारीरिक थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है ध्वनि प्रदूषण से। अब अगली बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जो उपाय हैं, पहला है ध्वनि व शोरगुल पर नियंत्रण, यानी जितने भी जो तेज आवाज से बोलने वाले उनके वॉल्यूम को कम करना, यानी उनकी आवाज को सीमित समय के लिए सीमित या निर्धारित सीमा तक उनके वॉल्यूम को तेज करना ताकि असामान्य प्रकार की ध्वनि न हो। अगली बात करते हैं लाउड स्पीकरों की ध्वनि को कम करना, यानी जितने भी जो धार्मिक स्थल हैं जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, जहां पर जो रेडियो वगैरह लगे होते हैं उनकी आवाज को धीमा करना या उनको निश्चित समय के लिए बजाना, तो ये भी हो सकता है ध्वनि प्रदूषण को कम करने का बढ़िया उपाय। अगली बात करते हैं उद्योग धंधे कारखानों की मशीनों की मरम्मत करना,
यानी कई उद्योग धंधे ऐसे हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, उनकी जो मशीन है उनकी मरम्मत समय पर नहीं होती है, तो जो मशीनें हैं वो तेज गति से या तेज आवाज करने लग जाती है, तो उन मशीनों की समय समय पर रिपेयरिंग हो जाए या मरम्मत हो जाए, या उनमें जो ग्रीस वगैरह तेल की जो सुविधा होती है अगर वो कार्य हो जाए तो मशीनें आवाज करना कम कर देगी। तो सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण काम है उद्योगों के लिए कि मशीनों का समय समय पर मरम्मत करना। अगली बात करते हैं ध्वनि अवशोषक व ध्वनि निरोधी मशीनों का प्रयोग करना, यानी जैसे सिनेमाघर वगैरह है या बड़े बड़े जो ऑडिटोरियम वगैरह है उनके अंदर जो थर्माकोल होता है यानी उनकी जो आवाज है वो बाहर नहीं जाए, यानी जो ध्वनि अवशोषक औजार, जो ध्वनि अवशोषक यंत्र लगाए जाए या इस प्रकार की जो ध्वनि को बाहर नहीं जाने दे, इस प्रकार के कुछ उपाय करने चाहिए ताकि जो ध्वनि प्रदूषण है वो कम से कम हो। अगली बात अपन करते हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जितने भी बड़े बड़े जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या राज्य राजमार्ग हैं या जो स्टेट हाईवे हैं उनके दोनों तरफ बड़े बड़े या छायादार पेड़ पौधे लगाना चाहिए, कतारबद्ध यानी पंक्ति वही बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो वहां से चलने वाले जो वाहन है यातायात है उनकी जो आवाज है जो पेड़ पौधों से टकराएगी और वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी और ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी कम होगी। इसी प्रकार इसलिए अपन जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनके चारों ओर जो दोनों तरफ अपन देखते हैं कि पेड़ पौधे लगे होते हैं पंक्ति कतारबद्ध धीरे धीरे, तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, कितने डेसिबल से ऊपर है जो ध्वनि प्रदूषण असामान्य हो जाता है, या अपन कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव है, या ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण रखने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। थैंक यू। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।